प्रदेश और केंद्र सरकार भले ही सरकारी जमीन को लेकर सशक्त है, पीजीसी से अवैध खनन और अवैध कब्जा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शासन की मंशा पर खनन माफिया पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की, जहाँ खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि दिन हो चाहे रात सरकारी जमीनों पर अवैध खनन कर मिट्टी बेचने का काम किया जा रहा है। वहीं अधिकारी हैं कि जानने के बाद भी कार्यवाही करने में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिले की बासी तहसील क्षेत्र में फजी हतवा नाला, भगन इया ताल परासी नाला सहित कई जगहों पर खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और मिट्टी बेच रहे हैं, जहां लोडर मशीन और जेसीबी लगातार मिट्टी भरकर ट्रॉली से ढोया जा रहा है, जबकि कुछ मिट्टी बासी नौगढ़ मुख्य मार्ग से होकर निकल रही है। उसके बाद भी अधिकारी अनजान बनकर बैठे हुए हैं। इसी विषय पर एसडीएम प्रबोध कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। खनन की जगह जाते हैं तो मशीन लेकर खनन करने वाले भाग जाते हैं। फजी हतवा नाले में नायब तहसीलदार गए थे, लेकिन तब वहां से गाड़ी चली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब पूरा दिन खनन होता है तो अधिकारी जाते हैं तो खनन माफिया अपनी गाड़ी लेकर उस समय कैसे चले जाते हो, फिर खनन होने लगता है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार खनन माफियाओं पर कब तक कार्यवाही की जाती है, या फिर कार्यवाही सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। जहाँ जहाँ ऐसी सूचना आ रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एक जो है आपके द्वारा फजीहतवा नाला है, तो उसमें नायब साहब 1 बजे गए थे, तो उसमें वहाँ कोई मिला नहीं, लेकिन उसको संज्ञान में है, उसको जो है एक दिन में ही उससे कार्रवाई करते हैं। बुलहोरा थाना क्षेत्र के मऊ के पास भगनैया ताल में करीब सैकड़ों ट्राली मिट्टी बेच दी गई निकाल करके ताल से, उसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान उसमें तो संज्ञान में है कि सिंचाई विभाग के द्वारा बंधा निर्माण सिंचाई विभाग का कोई कार्य नहीं कराया गया है, सिर्फ ट्राली से मिट्टी बेची जा रही है। अब जो भी है उस पर सिंचाई विभाग का जो है बोर्ड लग करके उस पर किया जा रहा था। सर मऊ में जो मिट्टी ढोई जा रही है वहाँ कोई सिंचाई विभाग का बोर्ड नहीं है, सिर्फ लोडर मशीन से भरा जा रहा है और गांव में बेचा जा रहा है। वहाँ मैंने कल की बात है, मैं खेसराहा में गया था तो वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली हमें देखते ही पलट गया, लेकिन गया तो वहाँ पे उसका जो है रॉयल्टी जो भट्टा है तो उनके द्वारा जगह जगह पे कई जगह खुदाई की जा रही है, लेकिन वो परमिशन से खुदाई कर रहे हैं। अगर जो गलत जो कर रहे हैं उनको जहां ही पकड़े जाएंगे कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। तो क्या सर सरकारी जमीनों का परमिशन शुरू हो गया है देना मिट्टी खनन के लिए? अब उसमें सुंदरीकरण चल रहा है तो भगनैया ताल यही इसी समय जो है उसको तो सुंदरीकरण करके गहरा करके जो है उसको सही किया जा सकता है। मतलब ताल की मिट्टी बेची जा सकती है? बेची और खरीदी नहीं, उसको ताल को गहरा करके उसका जो है पुनर जो है उसका वो किया जा सकता है। नहीं तो मिट्टी बेची जा रही है? अब बेची जा रही है हमारे संज्ञान में नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।